राज्य में 1 दिसंबर से धान खरीदी शुरू होने के बाद अब 20 फरवरी तक किसान धान बेच पाएंगे। इससे पहले सरकार ने यह तारीख 15 फरवरी तक रखी थी, लेकिन किसानों की मांग देखते हुए यह अवधि 5 दिन बढ़ाई गई है। राज्य में अब तक 79,89,991 लाख मीट्रिक टन धान खरीदा गया है। इस सीजन में सरकार ने 85 लाख मीट्रिक टन धान खरीदने का लक्ष्य रखा है, यानी अगले 4 दिनों में करीब 6 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी होनी है। राज्य में धान खरीदी 1 माह विलंब से शुरू होने के बाद से कहा जा रहा है कि किसानों को धान बेचने का पूरा अवसर नहीं मिला है। इसी बीच राज्य सरकार ने किसानों को भरोसा दिया था कि धान खरीदी के लिए जारी होने वाली टोकन की व्यवस्था को शिथिल किया जाएगा। सरकार ने जारी होने वाले टोकन की संख्या भी बढ़ाई है, लेकिन आंकड़ों से साफ है कि किसानों को अब तक केवल 3 बार धान बेचने का अवसर मिला है। राज्य में 4थी बार केवल 1,096 किसान ही अब तक धान बेच पाए हैं। किसानों को 3 या 4 बार में धान बेचने के लिए अलग अलग तारीखों के टोकन दिए जाते हैं। जिस किसान को जो तारीख मिलती है उस दिन आकर वह धान बेचता है, लेकिन राज्य में अब तक 49,651 किसानों ने टोकन लिया, लेकिन वे धान बेचने नहीं आए। इसके पीछे कुछ वजह भी हो सकती हैं। टोकन के बाद भी 2,354 किसान इसलिए धान नहीं बेच पाए क्योंकि उनके धान में नमी की मात्रा अधिक थी। 2,865 किसानों का धान साफ नहीं था। 16,222 किसानों ने टोकन की तारीख बदलाव कर किसी अन्य दिन धान बेचने की सहमति ली।